हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आए हो आप सब अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो देखिए, सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं और मैंने चूल्हा जला दिया है। यहाँ पर सारा सामान रख दिया। सब्जी बनानी है मुझे पतीली में, इसको तो सारा सामान तैयार है हमारा। तो अभी बस छोंक दे तू सब्जी, और अभी कपड़े भी रास्ते ऐसे ही पड़े। कल मैंने वहीं पर फैला देते तो कल से यहीं पर फैल रहे हैं। तो अभी मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, देखिए पूरा सा हो रहा है। बस धूप तो निकलने का नाम ही नहीं है, पता नहीं कब निकलेगी और कब वो जट्टा निकलेगा। तो चलो देखते हैं, जैसा भी है भाई, चूल्हे के पास खाना बना लेते हैं अपना। सब्जी छोड़ते हैं और आटा बना के रोटियाँ सेक दे दूँ। झाड़ू तो मैंने ले आ देती सुबह रही। तो अभी चाय भी नहीं बनाई आज तो मैंने, बोलो चाय बनाऊंगी। बस पापा जी जा लिए ड्यूटी पे अपने नाश्ता करके, तो मैं भी खाना बना देती हूँ भैया के लिए। और पापा जी का तो प्या को भेज दूँ, भाई लेके चल जाएगा। और इसमें गर्म पानी रख दिया मैंने पहले ही, ये आटा बनाना है सब्जी बनानी है, ठंडे पानी में हाथ नहीं दिया जाता सुबह सुबह, तो इसलिए मैं गर्म पानी कर देती हूँ। जब लाइट आती है ना, जब सब नहा धो के आया तो सुबह ही गर्म पानी डाल देती हूँ, वो ताज़ा पानी चला देता है। तो चलो अभी अपना काम निपटा लेते हैं खाने का। हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप क्या सब अच्छे हुए और हम सभी अच्छे हैं। तो सुबह का समय, खाना पीना सब हो चुका है और ड्यूटी भी का टाइम। और जी प्रीति चाची जी के कपड़े जो भी सिल चुके हैं, हमारे पड़ोस में है एक आंटी जी, वे सिलती है, तो इन्हें भी लेकर जाना है मुझे। चलता हूँ। मैंने सारा खाना बना दिया है, रोटियाँ भी सेक दी, ये वाली रखी है यहाँ से, और अभी ये सेक देती हूँ बस। ये परात में आटा है जो, तो वो निकाल के रख देती हूँ और बर्तन साफ कर देती हूँ ये, और ये आ ली नीचे। तो अभी देखे मौसम भी ऐसा ही हो रहा, और कपड़े मैंने फैला के यहाँ पर, भाई बना रहा है अपने लिए चाय। तो चलो अभी बन निमटा लेते हैं अपना काम सारा, खाना खा लेंगे पहले और इसके बाद में बनाऊँ निमटाना झाड़ू बर्तन ले। क्या कर रही है? भेजा ली? लाइट नहीं आ रही? यहाँ पर मैंने ले आया था अपने लिए खाना, आलू गोभी और मटर, मिर्च का अचार और रोटियाँ। आप सब भी खा लीजिए खाना। तो अभी 11:15 बजे हैं, मैं भी खाना खा के अपना काम निपटा लेते हैं। चूल्हे के पास ही बैठ के खा रही हूँ। तो सारी अंगारी निकाल दी मैंने बाहर, आग सारी, तो यहाँ पर ठंडी होने के लिए रख बाहर निकाल दी मैंने। तो हॉस्पिटल आए बाबू जी का दवाई दिलाने के लिए, अंकित भी है साथ में और बाबू जी बैठे अंदर, तो नंबर आने वाले हैं। अभी तक नंबर नहीं आया, बैठे इंतजार में। अंकित बाहर खड़ा हो गया, तो नंबर आ चुका था, डॉक्टर साहब को दिखा दिया पापा जी को। और पापा जी बीपी की दवाई चल रही है, यहाँ से बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है उनका इसी कारण, और थोड़ी टेंशन से भी रहती है, बस इसी कारण पापा जी की दवाई चलती रहती है। तो हफ्ते में एक दिन बैठते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब, और मेरठ से आते हैं, तो एक दिन का विजिट होता है यहाँ पर पटाने में ही, तो यहीं पर दिखा देते हैं इनको। तो अगले हफ्ते फिर बुलाया डॉक्टर साहब ने, तो दवाई लेके जाएंगे यहाँ से। 440। हल्के हल्के से मैंने डाल देते हैं, वे ना सूख रहे हैं वैसे, थोड़ी धूप धूप नहीं वो आवाज चल रही थी ना। तो अभी इधर भी फैला दिया है कुछ, और जो पेंट है जींस की भी मैं फैलाए हूँ ऊपर छत पे, तो एक पैंट और ये जैकेट, तो वे रह रही बस तीनों, तो इन्हें भी धो देती हूँ। वैसे साफ सफाई कर दिया मैंने सारे में, तो मैं छत पे कपड़े फैलाया ही हूँ, और हल्की हल्की से धूप निकल रही थी, वैसे ही पैर निकल रही नहीं तो छांसी निकल गई। तो अभी मैं कपड़े फैलाया ही, तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी ऊपर, खड़ा भी नहीं होया जाता, ठंड
जिस तरह बर्फ से डल रहा है ना ऐसा डल रही थी ऊपर तो, ऊपर तो कहना यहाँ पर तो इतनी हवा लग रही नहीं, क्योंकि इधर से पल अड़ा हमने वो इधर से इतनी हवा आती नहीं, तो ऊपर खुला है ना सारे में चारों तरफ, तो इसलिए बहुत हवा इतनी ठंडी से लग रही थी, जी से नहीं कर था। फिर तो मैं कपड़े फैला कर छत नीचे ही आ ली। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको ये सूट जो मैंने कर लिया था अपने लिए, तो सूट लिया था मैंने एक अपना, तो यहाँ से ही आया था बेचने वाले अंकल जी थे एक, इन पे से हम पहले से लेते हैं। तो आज दिखाती हूँ आपको देखिए ये वाला, तो इसकी कुर्ती और ट्राउजर बनवाऊँगी, बहुत अच्छी लग रही है और रात को ना बहुत चमक मारा है इसमें लाइट के चांदने में बहुत ज़्यादा, फूल से है बस इसने तो वही लेता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला है, देखो तो इस पे ना अस्तर लगेगा, इस पे अस्तर मंगवाना पड़ेगा भाई पे या मैं खुद ले आऊँगी, तो इस पे अस्तर लगेगा नीचे, तो बिना अस्तर के था। और ये है ट्राउजर, इसका ट्राउजर सिलवा लो जो भी सिलवाना ये सिलवा सकते हो। तो आप ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा सूट ये, तो सिलवा कर जब देखिए कितना अच्छा लगेगा। यहाँ पर निकल रहा धूप, बस ये तो धूप पे मैं है ना कपड़े, ये तो धूप में फैला रहा दो है बस यहाँ पर लोवर और पेंटे। तो अभी फ्रेंड्स मैंने बर्तन साफ कर दिया और अभी बैठी हूँ मैं धूप में, फिर हवा चल रही ना तो इसलिए क्या आपने उतारा थोड़ी सी धूप ले ली तू, और अभी ऐसा सारा काम में बैठ गया बस चूल्हा लीपना रह रहा मिट्टी से। छत पर चढ़ गया ये तो इधर देख रही सही है, धूप निकल जी काफ़ी दिन से परेशान थे धूप के बिना और आज निकल रही है, और धूप निकली तो कपड़े लाइट नहीं आ रही, अन्य कपड़े धो जाते हैं सूख जाते हैं अच्छी तरह से, बस लाइट में परेशानी से हो रही है। दवाई ले ली है और बिल पे कर दिया दवाई का, तो अभी हमें यहाँ से हो जाना है बाज़ार में, तो बाज़ार से आज करते हैं थोड़ी शॉपिंग, चलो आपको दिखाते हैं क्या कल खरीदारी करते हैं आज हम। तो ये आ चुका फर्नीचर वाले यहाँ पे, यहाँ से एक अलमारी लेनी है हमें गोदरेज की, चलो लेते हैं देखते हैं पहले। अब दूसरी ओर आ चुके हैं, यहाँ पर देख रहे हैं अलमारी, तो यहाँ तो सजावट हुई नियर की सजावट है, यहाँ पर लेसा भी पापा जी है कितना मैं हूँ तीन लोग। तो ये छोटी सी अलमारी ली आज मैंने, ये ज़्यादा छोटी हो गई थी, चलो ताला तुड़ा लगा के देख लो, ताली चब्बी चब्बी ठीक है, ताला खोल के देख लो पल्ला नहीं चल रहा, बाहर का ताला लगा के देख ले लॉक, लो देख लो दाग धब्बा तो लगा गई। चलो जी अलमारी ले ली है, क्योंकि हमारी जो अलमारी थी वापस जा ली, जिसकी थी वापस जा ली, और अब नई अलमारी ली हमने।
हमारी अलमारी रखी गई है, अंकित जाएगा इसके साथ, फिर भी एड्रेस लिखवा देते हैं जी। अब मैं और पापा जी चलेंगे अपनी अपनी ड्यूटी पर, अलमारी जो है ले ली हमने। तो अभी लाइट आई थी तो कपड़े मैंने डाल देते मशीन में, अभी नीचे चलती हूँ मैं, कुछ सामान लाना है ना, तो इसके चलते हैं नीचे, दिखाती हूँ आपको क्या चीज़ लाए हम। नहीं आया नहीं था, तो दवाई लिया ना यही पर आमदे में दरवा दो। आराम से तो यहाँ पर देखिए अलमारी मंगवा ली हमने ये वाली, तो बहुत अच्छी लग रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ना ज़्यादा छोटी, सही है मैडम। इसकी तो यहाँ पर ये है अलमारी की चाबी, तो देखते हैं खोल के से अच्छी तरह से मिल जाती हूँ। बढ़िया है, तो देखिए डिजाइन इसका अच्छा लग रहा है, ऊपर से भी है नहीं है, बड़े नहीं है, पहले छत पे बंदर बैठा था यहाँ से इस साइड, और मुझे डर था कभी कपड़े पाड़ दे। वो यहाँ पर देखिए बस ये कपड़े रह रहे थे, और ये वाले तो बस ये कपड़े रह रहे हैं, वे सोख के ना बाद में थोड़ी देर बाद ले जाओ, अभी तो धूप सी है ना, देखो सूर्य देवता भी है। यहाँ पर ना मैंने पापा जी के लिए कोट निकाल लिया है, एक उन्होंने पहन लिया, और ये जैकेट है, तो इसका ना इसे इजी में धोने पड़ेगा दोनों को, तो इसलिए जो बटन है ना ये वाला ये टूट रहा, तो इसमें से निकाल के ये वाला निकाल के अंदर से, तो वे लगा देती हूँ बटन इस पर, तो इनमें ना दरे दरे भी स्माइल सी हो जाती है कपड़ों में, तो इन्हें इजी में धोने पड़ेगा एक बार, तो जब भी पहन के जा करेंगे पापा जी, और आज अच्छी धूप निकल लेती है, और कपड़े भी मैंने सारे सुखा दिए, तो पापा जी ने बोला है दाल बनाने को। वैसे सुबह ना मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, ये रखी है टिफिन सब्जी रखी है, पर पापा जी के लिए दाल बना देती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स 6:30 बज चुके हैं, और सारा काम मैंने निपटा दिया, बस खाना भी बना दिया है, खाने में बनाया दाल रोटी, और अभी चलती हूँ मैं पहले पूजा कर लेती हूँ संध्या पूजा, तो कपड़े भी मैंने जो गिले से थे ना अभी धोए थे, तो वे मैंने यहाँ पर पला देते ले, पापा जी के लिए चलती हूँ खाना लेके, और नीचे ही पूजा कर लूँ अपनी, और मैंने खाना ले आते हैं पापा जी के लिए, खाना ले चलती हूँ नीचे, मसूर की दाल है, रोटी है, और अचार है। देखिए श्री राम जन्मभूमि ये आया था हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 7:30 बज चुके हैं, और खाना पीना सबने खा लिया है, अभी चलती हूँ मैं नीचे, गर्म पानी उठा लिया मैंने ये रहा, और इधर पापा जी दवाई है, तो ये भी लेकर चलते हूँ, इसमें गर्म पानी है ना, तो दवाई लेनी है पापा जी को, कि आज भी दवाई लाए थे अपनी जाके,